औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जो जिप्सम है, इसका क्या किरदार है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर इंडस्ट्री में क्या रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको किस में, एग्रीकल्चर में। हम ये देखते हैं कि ये जो रोल है, ये जिप्सम है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये एक मिनरल है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, यानी पूरी दुनिया में इसके डिपॉजिट मौजूद हैं। और जिप्सम को बेटा जी, हम जब हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स में, तो ये प्लांट्स को या सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है? ये मेनली दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, कैल्शियम एंड सल्फर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स के और सॉइल के। यानी अब इनका हमने डिस्कस करना है कि कैल्शियम कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या फ़ायदे हैं इसके, सल्फर के क्या अफादियत है, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम कैल्शियम को देखते हैं बेटा जी। तो कैल्शियम हम उन सॉइल में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीचिंग हो चुकी हो। कैल्शियम को बेटा जी उन एरिया में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीचिंग हो चुकी हो सॉइल की। ये लीचिंग क्या होता है बेटा? बहुत सारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो पानी में हल होकर पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़मीन के ऊपर वाली सतह जो के जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, और उसमें पर्टिकुलरली कैल्शियम। तो जिसकी वजह से वो तमाम एरियाज, वो तमाम सॉइल जहाँ पर लीचिंग हो चुकी होती है, तो वहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और इस तरह से वो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम जो है ना, इस तरह से पूरी की जाती है। सल्फर के क्या इस्तेमालात हैं बेटा जी? जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि सल्फर जो है ना, ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे फवायद हैं। प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जहाँ पर सल्फर की कमी हो जाए तो उसकी वजह से पौधों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। और उसकी वजह यह है कि असल में ये क्लोरोफिल को इन्फ्लुएंस करता है, क्लोरोफिल के बनने के अमल को, उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। या दो, ये क्लोरोफिल का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन सल्फर की मौजूदगी क्लोरोफिल की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में अमल करती है बेटा, और फोटोसिंथेसिस से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस तरह से अगर वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाएंगे, तो वो हेल्दी होगी, और जब हेल्दी होंगे तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इसके अलावा पौधों में ये प्रोटीन को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर सल्फर की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी वजह से पौधों का कलर पेल ग्रीन हो जाता है। तो इट मीन अगर उनका कलर ग्रीन रहना चाहिए, क्लोरोफिल प्रॉपर डेवलप हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सल्फर वहाँ पर मौजूद हो सॉइल में, ताकि पौधे वहाँ से हासिल कर सकें। इसके अलावा ये पौधों के रूट सिस्टम को डेवलप करते हैं, यानी एक तो क्लोरोफिल को इन्फ्लुएंस करता है, उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके अलावा ये रूट सिस्टम को डेवलप करता है।
अब जितना रूट सिस्टम डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो इसकी जो खुराक है न्यूट्रेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आगे फोटोसिंथेसिस का अमल भी उतना ही अच्छा और बेहतर होगा और इस तरह से उतना बेहतर अंदाज में अपने लिए खुराक बना पाएंगे। तो इस तरह से ये सल्फ़र जो है ना ये पौधों की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उसके क्लोरोफिल के डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस होती है, प्लस उसका रूट सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसका क्या किरदार है जिप्सम का। बड़ा जी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इस जिप्सम को कंट्रोल में हीट किया जाता है तो यह अपने 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है और उसके नतीजे में ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी अगर इसको कंट्रोल हीट किया जाए, इस जिप्सम को कंट्रोल हीट किया जाए तो उस सूरत में 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। लेकिन अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये अनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में तब्दील होता है, तमाम के तमाम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है और ये डेड बॉन्ड कहलाता है। डेड बॉन्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये अपना रोल अदा कर रहा है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका हाफ वेट पानी लेकर इसके साथ मिक्स करें तो उस सूरत में एक प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस बन जाता है और कुछ देर के बाद वो सेट होता है और पोरस मैस में यानी सुराखदार मसामदार मैस में तब्दील हो जाता है। और ये कितना टाइम लेता है यानी 10 से 15 मिनट में ये हार्ड हो जाता है, पोरस मैस में तब्दील हो जाता है और इस दौरान तकरीबन 1% इसकी एक्सपेंशन हो जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम इसमें इसके वेट का हाफ वेट वाटर लेकर इससे पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं तो पहले ये प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस होता है लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद ये हार्ड मैस बन जाता है, पोरस मैस बन जाता है और इसका वॉल्यूम भी 1% बढ़ जाता है। ओके जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि प्लास्टर वॉल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ स्टैचू में ये जो स्टैचू बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि कपड़े की दुकान के बाहर वो स्टैचू बने होते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं, तो स्टैचू बनाने में यानी कॉस्ट ऑफ स्टैचू में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोइंस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कभी जो है ना ये कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस बोन्स को अपनी जगह सेट करने के बाद इसकी बैंडेज की जाती है और वो फिर हड्डी को अपनी जगह से हिलने नहीं देती, यानी उस हड्डी को अपनी जगह पर कैम रखने के लिए इसकी बैंडेज की जाती है। तो इस तरह से ये सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, बैंडेज में इस्तेमाल होते हैं ये। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, डिपेंड करते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से मिलाए गए हैं तो उसी की वजह से इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप है जिसको हम सीमेंट प्लास्टर कहते हैं। अगर इस प्लास्टर में अगर हम ग्लू या कोई दूसरे ऑयल ऐड कर दें तो ये रिटार्डर का काम करते हैं, रिटार्डर यानी कि उसको स्लो कर देते हैं, उसके सेटिंग टाइम को क्या कर देते हैं स्लो कर देते हैं और इस तरह से उसका सेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है और उससे इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ज़्यादा मजबूती मिलती है। हार्ड फिनिश प्लास्टर एक और टाइप है।
इसमें अगर हम अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट यानी अगर इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे तो फिर बनता है अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो अनहाइड्रस इसको हम सल्फेट भी कहते हैं या कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। अनहाइड्रस सल्फेट मुख्तलिफ सल्फेट हैं, उनको अगर हम उनके हम कैल्सिनेशन कर दें यानी उनको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करें किसके साथ, विद एलम जिसको आप फटकड़ी वगैरह कहते हैं, एलम वगैरह या बोरेक्स के साथ, तो उसके नतीजे में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ये टाइम तो लेता है लेकिन ये बहुत ही हार्ड और रिजिड होता है, बहुत ही मजबूती देता है। ओके, अगर इसको वुड पल्प के साथ मिक्स किया जाए और इसको स्टैंड किया जाए कि और ये एक बोर्ड की फॉर्म इख्तियार कर लेगा और वो फिर ये जो मटेरियल हासिल होगा पल्प के साथ मिक्स करने के बाद तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ मकासद के लिए और पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सेपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता जा सकता है और सेपरेट वॉल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए हमें जो है ना क्ले प्लस लाइमस्टोन, ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में चाहिए, ग्राउंड फॉर्म में चाहिए, फाइनली डिवाइड यानी बहुत ज़्यादा बारीक इनको पीस लिया जाए और फिर इसको हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाए तो ये क्लिंकर बनाते हैं। क्लिंकर ये जैसा कि मटर के दाने होते हैं इस तरह के क्लिंकर शेप इख्तियार कर लेते हैं, फिर इस टेम्परेचर इसके टेम्परेचर को कम किया जाता है और इसको ग्राइंड किया जाता है और इस ग्राइंड करते हुए अगर इसके अंदर 2% जिप्सम ऐड कर दिया जाए तो ये उसके सेटिंग टाइम को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये है जी हमारे पास जिप्सम का रोल इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में हमने डिस्कस किया कि इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इससे हम मुख्तलिफ के टाइप्स की जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। इसके हम बात करते हैं रोल ऑफ लाइम, रोल ऑफ लाइम, ये इसको हम लाइमस्टोन क्या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं। ये सॉफ्ट कंपाउंड्स होता है और इसको एसिडिक सॉइल की न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी अमूमन जो हमारे पास सॉइल है ज़मीन की जो पीएच वैल्यू हो वो 7 होनी चाहिए यानी न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी पीएच वैल्यू कम है तो इट मीन वो एसिडिक सॉइल है और उसकी वजह से यील्ड पर फर्क पड़ेगा, तो इसलिए उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइम जब वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो कि बेसिक होता है और ये एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करता है, तो इस तरह से उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि फास्फोरस बाज़ोकात मौजूद होती है सॉइल के अंदर लेकिन वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होती, ऐसे कंपाउंड्स में होती है जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं फास्फोरस के, लेकिन लाइम का हम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉल्युबल फास्फोरस की जो मिकदार है सॉइल के लिए उसको बढ़ा देती है और फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट है पौधों की ग्रोथ के लिए, तो इस तरह से ये एक तो सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करते हैं और प्लस ये अवेलेबल फास्फोरस सॉल्युबल अवेलेबल फास्फोरस को भी इन्हेंस कर देती है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं पौधों के लिए। इसी तरह से इसके ये जो हमारे पास सल्फ़र है इसे लाइम सल्फ़र स्प्रे बनाए जाते हैं, लाइम सल्फ़र स्प्रे
जो कि हाईली फंजिसाइडल एक्शन करते हैं, यानी फंगस को कंट्रोल करने के लिए इन स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हासिल करना चाहें तो इस कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम को हम रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ, तो उसके नतीजे में हम हासिल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दैट इज़ आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम। जी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लाइम भी कहते हैं, तो यकीनन ये पौधों को क्या प्रोवाइड करता है कैल्शियम। कैल्शियम के पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर और भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये पौधों की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम। और मुख्तलिफ पौधों को इसकी जो क्वांटिटी चाहिए वो मुख्तलिफ होती है, यानी डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स को कैल्शियम के डिफरेंट क्वांटिटी चाहिए, कुछ को कम चाहिए और कुछ को ज़्यादा चाहिए, तो उसी के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा सबसे बढ़ के कि कैल्शियम रूट सिस्टम को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और पर्टिकुलरली रूट हेयर्स को डेवलप करता है जिससे पौधे बेहतर अंदाज में पानी और न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ज़मीन से, उनको एब्जॉर्ब करते हैं पौधे के लिए और फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ कर देते हैं। इसके अलावा ये लीव्स में और बाक्स में भी एक्युमुलेट हो जाता है, और कैल्शियम की मुनासिब मकदार अगर मौजूद होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज़ को, माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ऑप्टिमम एक्टिविटीज़ वो शो करते हैं अगर मुनासिब मकदार में वहाँ पर कैल्शियम मौजूद हो। उसके अलावा जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या ये अवेलेबल फॉस्फोरस जो है ना, जो सालोबास फॉस्फोरस उसकी मकदार को ये बढ़ा देती है। हाँ अगर ये इसके डेफिशिएंसी हो जाए तो उस सूरत में एलुमिनियम या मैग्नीज़ वगैरह ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो कि पौधों को डैमेज कर देते हैं। ये है जी हमारे पास रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब हम करने जा रहे हैं रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइम जो है ये इंडस्ट्री में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है, यानी जब हम ओर से मेटल हासिल करते हैं तो इसको अमल को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन, और फिर इसको प्योरीफाई करते हैं उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में और उनकी रिफाइनिंग में लाइम का बहुत अहम किरदार होता है, और पर्टिकुलरली जब हम आयरन हासिल करते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं, ये डिटेल में बाद में डिस्कस करें, ये चंद एक मैं उसमें से बता रहा हूँ। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जैसा कि सिलिका है, इसके साथ मिलकर ये कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, ये स्लैग के तौर पर ऊपर आ जाते हैं, और इस वजह से इन इम्प्योरिटी को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको रिफाइनिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये पेपर, सीमेंट और लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पेपर इंडस्ट्री में जैसा कि ये जो है ना ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर अमल करता है, और ये ब्लीच करता है फैब्रिक्स को और पल्प को, तो इसलिए ये पेपर, सीमेंट और लेदर इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब सैंड के साथ मिलता है तो उसके साथ ये SiO2 सैंड, इसको हम कहते हैं सैंड, SiO2 सिलिका सैंड भी कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं, इसके साथ मिलता है तो इसके नतीजे में ये कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और कैल्शियम सिलिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, ये बहुत ज़्यादा अहम कंपोनेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा
ऑर्डिनरी मोटर्स, इसको लाइम मोटर्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज ऑर्डिनरी मोटर और लाइम मोटर, इसको ये भी बताना होता है कि ये लाइम मोटर्स क्या है, और प्लस इसके रिएक्शन भी लिखने होते हैं। इसको हम कहते हैं कि जब हम लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक्ड लाइम, यानी सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना है जी, पहले इसको बना के नहीं रखना, उसी टाइम बनाए, और ये तकरीबन वन वॉल्यूम लें, और इसके साथ सैंड ऐड करेंगे, कितने वॉल्यूम, 3 to 4 volume, यानी 1 volume हम लेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक्ड लाइम, और इसके अंदर 3 to 4 volume हम ऐड करेंगे सैंड और प्लस वाटर, और जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये एक पेस्ट बनाएगा, और इस पेस्ट को हम यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, स्टोन्स को जोड़ने के लिए, और ये ब्लॉक्स को या उन स्टोन्स को या उन ब्रिक्स को फर्मली आपस में क्या रखता है, होल्ड रखता है। तो इस तरह से ये ऑर्डिनरी मोटर एक ऐसा पेस्ट है जो चीज़ों को आपस में जोड़ने, मजबूती से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट के तौर पर, और पर्टिकुलरली बड़े बड़े स्टोन्स को, ब्लॉक्स को और ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, मजबूती से जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये शुगर की रिफाइनिंग यानी शुगर को साफ करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पहले पढ़ चुके हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो फैब्रिक्स और पेपर पल्प को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ लाइम सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, और ये वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लाइम को जब हम कोक के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं, जलाते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बनता है। सो व्हेन लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कोक एट हाई टेम्परेचर, देन इट फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड, एंड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विद वाटर, then it form organic compound ethyne along with calcium hydroxide, it is also known as dehydrating agent. So lime has very important role in industry, aur usme se chand ek humne yahan par discuss kiye hain, iske jo industry mein kahan kahan istemal ho sakta hai। तो तकरीबन हम देखें तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं, शुगर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है, जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।